नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फन फूड फैक्ट्स में। तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलती हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद में आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको देख के ही पता चल गया होगा कि आज की रेसिपी क्या होने वाली है, तो पानी पूरी के खट्टे मीठे पानी की रेसिपी, तीखे पानी की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड करके रखी है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 लीटर मीठे पानी की रेसिपी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी लिया है, करीबन 1 लीटर। अब इसमें डाली जा रही है 1/2 किलो के आसपास ब्राउन ऑर्गेनिक इमली। तो आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ, इस इमली का टेक्स्चर देखिए इस तरीके से होनी चाहिए। अब इसके ऊपर ढक्कन डालकर तकरीबन 1/2 घंटे के लिए इसे सोक करके रखना है। 1/2 घंटे के बाद में ये जो इमली है वो अच्छी तरीके से नरम पड़ जाती है। अब इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके अच्छी तरीके से मसल लेना है और इसका जो भी पल्प है वो छन्नी से छन के नीचे कलेक्ट हो जाएगा। इसे अच्छी तरीके से दबा दबा कर छान के लेना है। तो दोस्तों, इस प्रोसीजर को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करना है ताकि जो भी इमली का अर्क है वो पूरी तरीके से उतर सके। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो भी पल्प कलेक्ट किया है इसे थोड़ा सा डाइल्यूट किया है, मतलब इसमें थोड़ा सा पानी डाला गया है। अगर आप इस पल्प को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल भी पानी मत डालिए। इस तरीके से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे पानी पूरी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसीजर देखते हैं। अब इस पल्प को अलग से बर्तन में निकाल के लेना है और इसमें डाला गया है 1 लीटर पानी। नॉर्मल वाटर आपको डालना है। तो सबसे पहले इन्होंने डाला है 1 चम्मच पूरा भर के लाल मिर्च का पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है जिससे कि ये पानी थोड़ा सा कलरफुल और अट्रैक्टिव दिखता है। उसके बाद में 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर साथ में इन्होंने डाला है 1 चम्मच काला नमक और लास्ट में डाला है 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। आप चाहे तो इन मसालों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के अनुसार। और लास्ट में डाला है सफ़ेद नमक। तो लीजिए, बेसिक प्रिपरेशन हो चुका है। अब इसके बाद में इस पतीले को इन्होंने गैस पे चढ़ाया है। अब यहाँ पर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि इन्होंने लिया है ब्राउन कलर का ऑर्गेनिक गुड़ यानी कि जैगरी। मेजरमेंट इसका देखें तो ये 2.5 किलो के आसपास है। आप चाहे तो इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी से उल्टा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर आप मेजरमेंट देखिए, जितनी इमली ली है उसका 3 गुना आपको गुड़ लेना है। तो ये जो गुड़ लिया है ये थोड़ा सा घिस के लेना है, डायरेक्टली नहीं डालना। तो देखिए यहाँ पर ये जो गुड़ है वो अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालना। और इसको अच्छे तरीके से स्टिर करते हुए हिलाते हुए बॉईल करने रख देना है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ इसे थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए इन्होंने कॉर्नफ्लावर लिया है, जिसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट या फिर स्लरी बना लेंगे और वो इसमें डाल देंगे जिससे कि इसे अच्छा सा गाढ़ापन आ जाता है। अब इसमें डालनी है थोड़ी सी मगज भी। अब इसे 1/2 घंटे के करीबन इसे बॉईल करेंगे जब तक कि इसमें थोड़ा सा गाढ़ा टेक्सचर ना आ जाए। अब देखिए 1/2 घंटा होने के बाद में इसका टेक्सचर देखिए कितना गाढ़ापन इसमें आ चुका है। तो खट्टी मीठी पानी पूरी का पानी बनकर रेडी है। ऐसी ही नई नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।